नमस्कार दोस्तों, निरोग जीवन संस्थान के यूट्यूब चैनल आरबीलाई मीडिया में आपका स्वागत है। आपको लेकर आए हैं फाजिल्का की विजय कॉलोनी में, जहां पर शहीदों को नमन किया जा रहा है। कैंडल मार्च निकालकर विजय कॉलोनी के निवासियों द्वारा पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। यह कैंडल मार्च आज निकाला गया। देखिए प्रकार से विजय कॉलोनी के निवासी एकजुट होकर यह कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। फाजिल्का की विजय कॉलोनी का यह दृश्य है, जहाँ पर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। विजय कॉलोनी के सदस्यों द्वारा यह कैंडल मार्च यहां पर निकाला जा रहा है। इस मौके पर विजय कॉलोनी के निवासियों ने 2 मिनट का मौन रखकर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। आज का एक कैंडल मार्च विजय कॉलोनी वासियों वालों शहीदों की याद किया जा रहा है, जिसनू की देश भुलाना नहीं चाहता है। इसलिए आज सारे विजय कॉलोनी के वासी विजय कॉलोनी विच सारा कैंडल मार्च किया। तो उस तो बाद आज इतने शहीदों को समर्पित रोष मार्च कर रहे हैं, मौन समागम कर रहे हैं। फाजिल्का आज इकट्ठे हुए हैं कैंडल मार्च करने के लिए। जो ये इंसिडेंट हुआ है बहुत ही ट्रेजेडी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये, बहुत ही दुखदायी घटना है ये, जो किसी भी कीमत पे ना तो बर्दाश्त की जा सकती है और ना ही हम करेंगे। तो मेरी सबको यही प्रे है कि सारे पूरे इंडिया को इकट्ठा होके सरकार को भी जगाना चाहिए और इकट्ठा होके हमें जो है स्टेप लेना चाहिए। अगर सेना है तो हम है, अगर सेना नहीं है तो हम भी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय अज का ये कैंडल मार्च साडा श्रीनगर जो परसों 14/2/19 नूं हादसा होया उनके बारे है। ये कैंडल मार्च सब तो पहला श्रद्धांजलि है, उस तो बाद सरकार नूं जगाने का काम भी है साडा। ये काफ़ी अरसे तो चले आ रहा है, अज 2 मर गए, अज 4 मर गए, अज 10 मर गए, 20 मर गए, 50 मर गए। ये सरकार नूं अगे आ के इन रोकना पड़ेगा। जिस तरह कल मैं यूट्यूब ते बाबा टंडियां वाले का एक मैसेज देखिया सीगा, बहुत अच्छा लगा मैनूं भी, जिन्ने भी लीडर ने उन्हां दा एक एक बच्चा फौज लिया के भर्ती करो ते सन अगे लाओ उन्हां नूं। सारे पहला वह अगे आउणगे, फिर सेना होएगी, फिर आम पब्लिक होएगी। जे युद्ध हो जाए फिर वेख लेना, कोई अतवाद नहीं होएगा, कोई लड़ाई नहीं होएगी, अमन शांति चार पासे होएगी। जिहड़ी त्रासदी हुई है वह बर्दाश्त तो बाहर है। हर देशवासी इंटरनेशनल लैवल से इस गल की निंदा करता पाया है। मैं इन्नी गल कहांगा भी जिस बंदे ने भी, जिस भी शख्स ने, जिस लेडी ने, बच्चे ने यह गल सुनी उस दिन, उनके हथों जो पानी का गिलास से थले डिग पिया, जे रोड खाना खा रहा तो रोटी खानी बंद करती उन्हें। इस तो वड्डा हादसा नहीं हो सकता। साड़ी तो यही बेनती है, देशवासियों कट्ठे हो जाओ, सरकार नूं जगाओ, सरकार फिर बनने वाली है, ताकि ये हादसे अगे तो होने तो रोके जा सकन। विजय कॉलोनी का यह दृश्य है, यहाँ पर शहीदों को नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न
ਨਾ ਭੁੱਲੇ।